अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मदिया की दुनिया में। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से हो गए। अलहमदुलिल्लाह मैं भी वधिया हूँ, तो खुश बादशांत तुम्हारे लिए लाई हूँ आज वधिया जा व्लॉग। तो इंजॉय करो ग्रोसरी, वन मंथ जो ग्रोसरी आती है एक मंथ की जो बुलाए थे, तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। सब फ्रूट्स मैंने निकाल कर सबको वॉश कर लिया और अच्छे से धो लिया है, और इनको फिर मैं अब फ्रिज में रख दूंगी। और नेक्स्ट इसके बाद मैं प्याज को भी जो के बुलाए हैं, दरमियान में ये ख़त्म भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि महीने के ही हैं। अब इसमें फिर अब्बू ले आते हैं, एक दो दफ़ा और ले आते हैं, और जब ख़त्म हो जाए, अगर ज़्यादा नहीं मंगाते क्योंकि गल जाते हैं, डर होता है। और आलू भी ज़्यादा नहीं मंगवाते क्योंकि इनके भी ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है। इसलिए तो मैंने फ्रिज का दोनों खाने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं, जो ख़राब चीज़ें थी उनको निकाल के साइड पे कर दिया, मिर्चें वगैरह जो भी, और अच्छी से नई चीज़ें सब ग्रोसरी जो बुलाए हैं उनको मैं अच्छे से रख दूँगी। टमाटर को धो के या साफ़ मैंने कपड़े से कर लिया है, वैसे नहीं हम लोग धो के रखते क्योंकि गल जाते हैं, सॉफ़्ट हो जाते हैं। क्योंकि वैसे भी जो दुकानदार है वो आगे ही इतना पानी डाल डाल के इनको इतना ज़्यादा मतलब फ़्रेश किया होता है उन्होंने, तो इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि ये टिप ही समझ लें कि फ्रिज में इस तरह रख दो। इस तरह फिर ये हफ़्ता तो गुजर जाता है ना, अच्छा खासा टमाटर के गलता नहीं है। और उसके बाद फ्रूट वाला खाने में फ्रूट सारे जो धोए थे मैंने अच्छे तरीके से रख दूंगी। आई होप सो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग और मेरे सब वीडियोज अच्छी लगती हों तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद मैं गंडे रखना स्टार्ट कर दिते हैं, यानी प्याज गंडे मतलब पंजाबी में, प्याज उर्दू में, और ऑनियन यानी इंग्लिश में, तीनों समझाती हैं, समझ आ गया हुआ गया आपको। और अलग से मैंने आलू भी निकाल लिए हैं, इनको मैं वॉश नहीं करूँगी, बगैर वॉश के ऐसे ही रखूँगी, ये ज़्यादा इनकी लाइफ रहती है और ज़्यादा लंबे ऐसे सही रहते हैं बिल्कुल। और इसके बाद इनको मैं निकाल कर फिर आगे आपको बताती हूँ कि सारी ग्रोसरी जो बाकी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से मैंने अरेंज किया है और ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। ये डन हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट अब ये सारी ग्रोसरी मैंने निकाल ली है थैले में से, सब चीज़ें निकाल कर रख दी थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे कि सर्फ एक्सल हम लोग यूज़ करते हैं, एक बड़ा पैकेट अपू सबसे बड़ा लाते हैं और एक छोटा भी ले आते हैं। और फिर हम लोग ये साबुन इस्तेमाल करते हैं, देख लें, सेफ़ गार्ड और लैक्स और हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल होता है, हार्पिक इस्तेमाल होता है, डालडा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लिप्टन चाय इस्तेमाल करते हैं, सिंपल वही ग्रोसरी जो कि सब घरों में होती है। और वाइट चने और मूंगी की दाल और चावल, चावल आगे भी बहुत ज़्यादा थे, और ये मेरे लिए निम्को स्पेशल, मुझे निम्को अच्छी लगती है। और वो बच्चों के लिए सारे नूडल वगैरह और यही, और ये छोटे मानों के लिए, भाई के बेटे के लिए वो बेबी जो साबुन होता है छोटा। उसके बाद मैं ड्रॉज में इन्हें सेट कर दूंगी, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें रखनी है। आप लोग इंजॉय कीजिए, म्यूज़िक सुनिए और सारी चीज़ों को देखिए किस तरह मैं रख रही हूँ, और आपसे मैं फिर मिलती हूँ, ठीक है।
यानी क्लीन कर लूँगी कपड़े से, और फिर मैं इसमें सारी ग्रोसरी जो बुलाए हैं सारे शैम्पू सर्फ साबुन बर्तन धोने वाला नहाने वाला और हर चीज़ इसमें रख दूँगी अच्छे तरीके से क्लीन करके। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो वॉच किया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिशिएट किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे बहुत हौसला मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और मेरी फैमिली का हिस्सा बने और इसे और ग्रो करने में मदद करें, और ताकि ये चैनल बना रहे और आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियोस ताकि मैं आपके लिए बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे लाऊं, अपनी बहुत सी चीज़ें शेयर करूं। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा, और अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए और ऐसे ढेरों प्यार देते रहिए। और थैंक्स अ लॉट आप लोगों के इतने प्यार और अप्रिशिएट का, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, इतना ही आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ताला का शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया, उसके बाद थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी क्योंकि मैंने भी हार्ड वर्क किया। और इसी तरीके से अब मैंने ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रख दी हैं। मैं इस मिर्चों को और ये बिरयानी मसाले और लिप्टन के इसको इस खाने में रख रही हूँ क्योंकि उस खाने में सर्फ वगैरह होती है तो मुझे उनकी खुशबू ऐसा लगता है कि कहीं इनमें डिवेल्प ना हो जाए और इसमें आ ना जाए। और उसके बाद तमाम डब्बों में मैं फिर दालें वगैरह और चने डाल दूँगी, ठीक है, सेट करके रख दूँगी। और आप लोग मेरे साथ रहो, इन्जॉय करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। जो चीज़ आप देखना चाहोगे मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह लाऊं और अच्छे से अच्छा काम करूँ, बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी देखना है, कोई भी चीज़ व्लॉग ड्रेसिंग या कोई रिव्यू चाहिए किसी चीज़ के बारे में, अगर मुझे पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और बिल्कुल अच्छे वाला शेयर करूँगी। ऐसे ही नहीं कि जिसका नुकसान हो रहा और मैं आपको यहाँ शेयर कर लूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ऑनेस्ट होकर और लॉयल होकर अपने व्यूअर्स के साथ काम करना चाहिए, धोखे में रख कर या टाइटल पर कुछ ऐसा लिख कर इस तरह नहीं करना चाहिए। स्टे सेफ।